चलो भाई स्टार्ट करो अपना चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई। ये चैप्टर नंबर 6 बिल्कुल स्क्रीन के साथ आज बैकग्राउंड भी चेंज हो गया है। सुजल मैं इंस्टीट्यूट में ही हूँ लेकिन दूसरे वाले में हूँ भैया। फिलहाल चैप्टर पे आ जाओ, ये सब बातें करते रहेंगे भाई। सबसे पहले मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ की क्या स्टेटमेंट होती थी, क्या होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स भाई? गॉस लॉ याद है सबको? अरे भाई स्टेटमेंट के हिसाब से आकाश मार खाओगे, अभी डाइवर्ट मत करो, बहुत मार खाओगे यार। हमने गॉस लॉ में पढ़ा है, पहले थोड़ा गॉस लॉ रिकॉल करा रहा हूँ। हमने गॉस लॉ में पढ़ा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक एरिया को पेनिट्रेट करके, मतलब क्रॉस करके आर पार जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक सेलफोन है, इसको मैंने एक एरिया ले लिया, एक शीट ले लिया, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आर पार जा रही है वो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्क्रीन को टच करके ऐसे जा रही है तो फ्लक्स कितना आएगा उस केस में भाई? नो रिस्पॉन्ड भाई, जीरो। वेरी गुड। तो यार इधर वही है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती थी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। तो इधर अब हम यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इधर बस अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मत डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग या पेनिट्रेटिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली। और उसका फॉर्मूला सिंपल सेम चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। सिंस बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट लगा दिया तो मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए? लेकिन अब इसमें मुद्दा फिर से वही आएगा कि ये कॉस थीटा किसके बीच का एंगल होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का। वेरी गुड, याद रखना जो ये एंगल थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया मत कह देना, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे एक एग्जांपल से रिकॉल कराता हूँ क्या चीज है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक शीट है, इसको मैंने रख दिया वाई जेड प्लेन में। भाई किसका माइक अनम्यूट पे है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? पायल। भाई मैंने कहा ये हमारे पास एक शीट है और सपोज इसका एरिया मैं ए ले रहा हूँ, इस शीट को मैंने ऐसे रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, तो मेरे को बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? ये 2D सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब इसका एरिया वेक्टर या तो लेफ्ट में आएगा या तो किधर आएगा, राइट में आएगा। और भैया मैंने ड्रॉ कर दी है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। भाई मैं कह रहा हूँ कि ये फील्ड लाइंस इस एरिया को पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही है, तो मेरे को बताओ इस केस में मैं एंगल की वैल्यू कितनी लूं? क्या इस केस में मैं एंगल की वैल्यू 0 degree लूं, या इस केस में मैं एंगल की वैल्यू 180 degree लूं, या इस केस में मैं एंगल की वैल्यू 90 degree लूं? कितना एंगल लेना चाहिए मेरे को? 0 degree एंड 180 degree। वेरी गुड, कुछ भी एंगल हो सकता है 0 degree या 180 degree, डिपेंडेंट है कि आपने एरिया वेक्टर कौन सा लिया है। अगर आपने एरिया वेक्टर, क्योंकि ये 2D सरफेस है, 2D सरफेस के दो एरिया वेक्टर हो सकते हैं, अगर आपने एरिया वेक्टर राइट साइड लिया तो यार मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड, एरिया वेक्टर भी राइट साइड, तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 degree। लेकिन अगर आपने एरिया वेक्टर लिया है लेफ्ट साइड तो एरिया वेक्टर हो जाएगा लेफ्ट साइड और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी राइट साइड, तो उस केस में एंगल कितना होगा? 180 degree। इस केस में 90 degree एंगल नहीं होगा क्योंकि आपको लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर जा रही है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, लेकिन मेरे को एरिया नहीं देखना, मेरे को इस एरिया का एरिया वेक्टर देखना है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल या तो 0 degree या तो 180 degree। भैया चेक करके तो यहां तक चीजों को बिठा लो। यस सर। यस सर। ठीक है।
ये यस सर मैंने पूछा, यहाँ तक कोई डाउट तो कह रहे हो यस सर? नो सर। ठीक है तो भाई याद रखना, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, और ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक, वैसे देखा जाए तो टोटल तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक है कि ये डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। भाई अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इन लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम हो जाएगी और ज्यादा लाइंस पेनिट्रेट करके बाहर निकलेगी। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि ये किस पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स? एरिया पे। और तीसरा फैक्टर ये किस पे डिपेंड करेगा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स? ये डिपेंड करेगा एंगल पे, और एंगल को हम कहेंगे ओरिएंटेशन। तो एक बार प्लीज चेक कर लो फिर से रिकॉल। मैंने कहा मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेट करके बाहर भी निकलेगी। दूसरा फैक्टर होगा एरिया, जितना बड़ा एरिया होगा डेफिनेटली उतनी ज्यादा फील्ड उससे पेनिट्रेट कर सकती है। और तीसरा फैक्टर है इधर एंगल ओरिएंटेशन, एंगल मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच। Yes, sir. बढ़िया। तो यार जैसे कि मेरे को बताओ इस केस में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखूं? सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह ही है भैया। मैंने कहा कि ये मेरे पास एक शीट है, इसका एरिया ले लो कि इसका एरिया है ए, और मैं कह रहा हूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, भैया हॉरिजॉन्टल लाइन से ये कुछ एंगल बना रही है। सपोज ये एंगल ले लो 37 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर दी है ऊपर की तरफ। तो मेरे को बताओ इस केस में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखूं? चलो बताओ इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखूं? भाई कोई आंसर नहीं आया भैया। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है या भूल गए हो? याद है। तो बताओ फिर, इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इतनी देर में तो आंसर आ भी जाता। भाई अभी भी लोगों के आंसर्स ऐसे गलत गलत आए जा रहे हैं, सब आंसर्स अलग अलग बता रहे हैं। तो भाई देखो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहा हूँ तो एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट आएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट। इस वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी b sin 37 डिग्री, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी b cos 37। भैया मेरे को बताओ क्या sin थीटा वाला कंपोनेंट, जैसे ये मेरी शीट है, sin थीटा वाला कंपोनेंट इस एरिया को पेनिट्रेट कर रहा है या cos थीटा वाला? cos थीटा वाला। तो सीधी सीधी बात है, इधर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिखूंगा? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला b इंटू एरिया, एरिया मैंने आपको दे ही दिया था ए, और ये हो जाएगा cos 37। भाई cos 37 कितना होता है? 4/5। cos 37 4/5, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/5 BA। भैया चेक करो क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ये अभी तक बिल्कुल फुद्दू चीज चल रही है, मतलब बिल्कुल इजी। सर क्लियर है। क्लियर है, चलो तो भैया बहुत बढ़िया, डंडा नाटा। एक ही जगह प्रतिभा डीएस लिख सकते हो, लेकिन इधर हमें एरिया पहले से पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैंने आपको बताया था बीडीएस या ईडीएस, डीएस का मतलब होता है एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, और एरिया को छोटे छोटे हिस्सों में तब तोड़ते हैं जब फील्ड हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म होती है। लेकिन इधर फील्ड यूनिफॉर्म है तो इधर डीएस लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और एरिया दे रखा है। प्रतिभा क्या क्लियर है आपको?
यस सर ओके डन चलो थर्ड पॉइंट का एग्जांपल देके समझा दो थर्ड पॉइंट मतलब एंगल वाला कह रहे हो आप शिवानी yes. ठीक है अभी धीरे धीरे उस पे आएंगे हर एक चीज अभी रिपीट होगी टेंशन ना लो भाई ये आ जाओ ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक वाली बात अब चैप्टर कहाँ से स्टार्ट है आओ वो देखते हैं लिखो हेडिंग फैराडेज एक्सपेरिमेंट भैया टेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा अगर थोड़ा सा याद हो तो फिर से रिकॉल करेंगे फैराडेज एक्टिविटी या फैराडेज एक्सपेरिमेंट मैं एक एक करके इसकी बेसिकली चार एक्टिविटीज है मैं एक एक करके ड्रॉ कर रहा हूं आपको सिर्फ ये बताना है सोचकर कि आप हर एक एक्टिविटी से क्या क्या चीजें एनालाइज कर सकते हो क्या क्या चीजें कॉन्क्लूड कर सकते हो तो भैया आओ समझने की कोशिश करो सबसे पहली एक्टिविटी यार उसने क्या किया उसने एक क्लोज लूप लिया सपोज ये मेरे पास एक क्लोज लूप है कंडक्टिंग वायर है इस क्लोज लूप को उसने कनेक्ट कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से यार अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा ना गैल्वेनोमीटर का पर्पस क्या है Yes, sir. क्या पर्पस है गैल्वेनोमीटर का बिल्कुल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट क्या छोटे से छोटा करंट क्यों ना हो ये उसको डिटेक्ट करके बता देगा तो यार इधर मैंने एक क्लोज लूप लिया मतलब मैंने क्या फैराडेज ने एक क्लोज लूप लिया गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया ये चेक करने के लिए कि अगर इससे कभी भी करंट फ्लो करे तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर दो और यहाँ पे ली उसने एक मैग्नेट उसने क्या किया भैया ना तो मैग्नेट को मूव कराया ना तो कॉइल को मूव कराया बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे ये मेरा एक कॉइल है क्लोज लूप और ये मेरे पास एक मैग्नेट है मैंने इन दोनों को मूव नहीं कराया ना तो इस कॉइल को मूव करा रहा हूं ना तो इस मैग्नेट को मूव करा रहा हूं दोनों के दोनों रेस्ट पे हैं तो उसने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है अगर गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है तो इस क्लोज लूप के अंदर करंट कितना आएगा जीरो क्योंकि जब फ्लक्चुएट ही नहीं कर रहा तो मतलब भैया करंट जीरो होगा नहीं तो फ्लक्चुएट करता सेकेंड केस भाई सेकेंड केस अज्यूम कर लो कि बिल्कुल सब कुछ सेम रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट इधर फिर से मैंने बना दिया कि यार उसने क्या किया कि ये एक क्लोज लूप ली एक मैग्नेट ली उसने क्या किया मैग्नेट को वो मूव करा रहा है कभी आगे मूव करा रहा है कभी पीछे मूव करा रहा है लेकिन मैग्नेट मूव कर रही है जैसे ये मेरा कॉइल ये मेरी मैग्नेट भैया मैं मैग्नेट को कभी पास कभी दूर मैग्नेट मूव कर रही है तो उसने देखा कि जब मैग्नेट मूव कर रही है तो यार गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट कर रहा है डेविएट कर रहा है तो अगर गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएट कर रहा है उसकी नीडल फ्लक्चुएट कर रही है तो मतलब इधर करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉन जीरो मतलब करंट इधर प्रेजेंट है क्या पहली दो एक्टिविटी क्लियर है yes, चलो डन थर्ड एक्टिविटी भाई थर्ड एक्टिविटी में उसने क्या किया उसने मैग्नेट को रखा स्टेशनरी उसने कहा यार अब की बार है ना मैग्नेट को मूव नहीं कराते हैं उसने अब की बार मैग्नेट की जगह इस क्लोज लूप को मूव कराया और मैग्नेट को रखा स्टेशनरी तो ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर भैया ये हमारे पास मैग्नेट और अब की बार मैग्नेट है रेस्ट पे और हमारा क्लोज लूप मूव कर रहा है आगे या पीछे जहां मर्जी उसने मूव कराया तो उसने देखा कि यार गैल्वेनोमीटर अभी भी फ्लक्चुएट कर रहा है मतलब करंट की वैल्यू अभी भी जीरो नहीं है करंट की वैल्यू नॉन जीरो है पहली तीन एक्टिविटी बिल्कुल क्लियर है आ जाओ फिर बची लास्ट एक्टिविटी फोर्थ एक्टिविटी भाई फोर्थ एक्टिविटी में उसने क्या किया उसने एक नॉन कंडक्टिंग रॉड ली नॉन कंडक्टिंग रॉड का मतलब इस रॉड से करंट पास नहीं हो सकता उसने यहाँ पे ड्रॉ किया मतलब उसने यहाँ पे लिया एक सोलोनॉइड सोलोनॉइड को भैया ये हो गया सोलोनॉइड इस सोलोनॉइड को उसने नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल पीसी प्राइमरी कॉइल गायत्री एक मिनट प्रीवियस स्लाइड पे भी आ रहा हूं रुक जाओ और उसने यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स कनेक्ट किए पहले आप एक्टिविटी को सुन लो फिर आप मेरे को बताना क्या क्या कॉन्क्लूजन आपके हैं और मैं फिर प्रीवियस स्लाइड भी दिखा दूंगा यहाँ पे उसने एक दूसरा सोलोनॉइड लिया और इसको नाम दिया सेकेंडरी कॉइल और इस सेकेंडरी कॉइल में उसने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर उसने क्या देखा कि यार जब मैं इस प्राइमरी कॉइल के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं बैटरी का मतलब होता है डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट तो उसने देखा कि यार गैल्वेनोमीटर बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं कर रहा मतलब करंट की वैल्यू कितनी है जीरो
लेकिन उसने देखा कि जब मैं डायरेक्ट करंट हटा के, मतलब मैंने बैटरी हटा दी और बैटरी की जगह मैंने लगा दिया एक ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती हो, मतलब ये है एसी करंट का सोर्स, ऑसिलेटर, यहां लिख देता हूं ऑसिलेटर। तो उसने देखा कि यार अब करंट आ रहा है। तो बस ये थी चार एक्टिविटी। अब आप मेरे को एक एक करके आराम से सोचो, एक मिनट लो और मेरे को बताओ कि आप पहली तीन एक्टिविटी से, चौथी वाली को अभी छोड़ दो, आप मेरे को बताओ फर्स्ट थ्री एक्टिविटी से आप क्या कॉन्क्लूड, क्या एनालाइज कर पा रहे हो। ये लो प्रीवियस स्लाइड, आपको बताना है कि भैया फर्स्ट थ्री एक्टिविटी से आप क्या क्या कॉन्क्लूड, क्या क्या एनालाइज कर पा रहे हो। चलो लगो काम। गुड शिवानी, गुड प्रतिका, बढ़िया जतिन। ये चीज तो क्लियर है भाई, ये चीज तो क्लियर है कि इंडक्शन हो रहा है और करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये इंडक्शन किस चीज की वजह से हो रहा है, हमें ये चीज कॉन्क्लूड करनी है। हम ये चीज एनालाइज करना चाह रहे कि ये जो करंट इंड्यूस हुआ, जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ, पहले केस में जीरो, सेकेंड केस में प्रोड्यूस हुआ, थर्ड केस में प्रोड्यूस हुआ, फोर्थ केस में प्रोड्यूस हुआ, तो इधर करंट प्रोड्यूस हुआ तो हुआ कैसे। आकाश बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मुद्दे पे पहुंचे हो, बढ़िया। अरे मुस्कान आपका भी सही। तो आओ भाई देखो इधर, लास्ट आंसर पढ़ रहा हूँ प्रतिभा आपका। अरे ये तो बिल्कुल रट्टा मार के आपने बोल दिया, स्कूल में पढ़ा हुआ है मतलब आप। चलो भाई इधर देखो, फर्स्ट केस में, यार फर्स्ट केस में क्या हो रहा है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ा रहा था तो कुछ सोच के ही पढ़ा रहा था, मतलब उसका कुछ ना कुछ काम है। तो भाई फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर मैं इस मैग्नेट से, भाई हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है, तो अगर इस नॉर्थ पोल से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस क्लोज लूप से पास कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। भाई इधर समझो, भाई मैंने कहा ये क्लोज लूप है, ये मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो अगर इससे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, सिंस ना तो मैंने मैग्नेट को मूव कराया ना तो मैंने कॉइल को मूव कराया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में? तो भैया फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, सुनो अब, हमने ना तो लूप को मूव कराया ना तो मैग्नेट को, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड हमारी कॉन्स्टेंट है। भाई मैंने रिंग का साइज ना तो छोटा किया ना तो बड़ा किया, तो मतलब रिंग का एरिया भी कांस्टेंट है। भैया फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट और एंगल, मतलब रिंग को तो मैं रोटेट करा ही नहीं रहा, तो एंगल भी कांस्टेंट है। तो जब सारी ही चीजें कांस्टेंट है तो मतलब इधर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, कांस्टेंट। तो हमें पता चला कि फर्स्ट वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए करंट इंड्यूस कितना आएगा, जीरो आएगा। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? डन। सेकेंड वाले केस में बात करते हैं। प्रतिभा आपको नहीं समझ में आया? प्रतिभा जल्दी बताओ, आपने नो सर लिखा हुआ है कि आपको नहीं समझ में आया? क्लियर है, डन। भैया सेकेंड वाले केस में भी सेम चीजें हो रही है, यार इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, लेकिन अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, अगर मैं इस मैग्नेट को क्लोजर लेके जा रहा हूं तो अब और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगी, और अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो कम मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पेनिट्रेट कर रही है या कम पेनिट्रेट कर रही है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना किससे है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो इधर मैं क्या देख रहा हूं,
कि मैग्नेट को क्लोजर या फार अवे मूव कराने से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। एरिया कैसा है? एरिया तो कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर फील्ड चेंज हो गई है तो हमारा फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और जैसे फ्लक्स चेंज हो गया तो याद रखना इधर करंट इंड्यूस हो जाए। भैया क्या सबको ये पहले दो एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़िया, आ जाओ भैया थर्ड वाले को। भैया थर्ड वाले में भी यही हो रहा है, चाहे मैं जिस मर्जी को मूव कराऊं उससे मतलब नहीं है, हमें बस अल्टीमेटली देखना है रिलेटिव मोशन। हमें सिर्फ रिलेटिव मोशन देखना है, क्योंकि जब जब रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक मूव करे या दोनों ही मूव करे उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन कोई एक तो मूव करना ही चाहिए, तो रिलेटिव मोशन आएगा। तो हमने देखा कि यार इस थर्ड वाले केस में भले मेरी मैग्नेट रेस्ट पे है लेकिन लूप पास आ रहा है ना, तो लूप पास आ रहा है तो अभी भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगी या कम मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो फिर से वही सेम रीजन कि मैग्नेटिक फील्ड हुआ चेंज तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हुआ चेंज, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है चेंज तो हमारे पास करंट इंड्यूस हो जाएगा। प्रतिभा आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको हम इंड्यूस्ड करंट नहीं कहते, इसको बेसिकली हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, लेकिन अभी मैं वो चीज समझाऊंगा, अभी मैंने वो चीज नहीं बताई। एक्चुअल में ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। भैया पहली तीन एक्टिविटी सबको क्लियर है? यस सर। तो मेरे को फोर्थ एक्टिविटी समझाओ। फोर्थ एक्टिविटी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ ऑसिलेटर के केस में, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ बैटरी के केस में? कि भैया करंट प्रोड्यूस हुआ ऑसिलेटर के केस में लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ बैटरी के केस में। सोचो और मेरे को एक मिनट दो प्लीज। चलो भाई करें डिस्कस। अरे इतना बड़ा बड़ा आंसर क्या लिख के भेज दिया भाई? सर बैटरी केस में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, ऑसिलेटर केस में वो चेंज हो रही है बार बार तो करंट इंड्यूस हो रहा है। प्रतिभा आपका आंसर बिकॉज देन ऑल्टरनेटिंग करंट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है बिकॉज इसकी वजह से। ओके 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 डन 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 डन। चलो भाई बिल्कुल सही। सुनो यार आंसर बिल्कुल सही है कि जब हमने बैटरी कनेक्ट करी तो बैटरी किस चीज का सोर्स है? भैया बैटरी डायरेक्ट करंट का सोर्स है। डायरेक्ट करंट का मतलब कि करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी या चेंज होगी? कांस्टेंट है। भैया क्या आपको याद है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड? सर म्यू नॉट एन आई। भाई वेरी गुड, म्यू नॉट एन आई। ना तो मैं सोलेनोइड की परमेबिलिटी चेंज कर रहा हूँ, ना तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर रहा हूँ, और इधर जब मैंने बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट भी कांस्टेंट है। तो जब सब कुछ ही कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। अब होगा क्या, जो सोलेनोइड वन ने मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो सेकंड वाले सोलेनोइड से भी पास करेगी, लेकिन सेकंड वाले सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सब कुछ ही कांस्टेंट आ रहा है, तो भैया फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए बैटरी के केस में करंट कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। लेकिन जब मैं ऑसिलेटर कनेक्ट कर रहा हूं तो ऑसिलेटर का मतलब होता है कि भैया ये सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट का। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि इधर करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। तो अगर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो जो पहले वाले सोलेनोइड ने, प्राइमरी कॉइल ने जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाया, करंट चेंज हो रहा है
तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और यही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास कर रही है, तो हमारे पास हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया कॉन्स्टेंट है, तो अल्टीमेटली फ्लक्स हो गया चेंज, और अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो अब की बार हमारा करंट प्रोड्यूस हो गया। यस सर। यहां तक पूरा नोट डाउन करो, कुछ डाउट है पूछो। कोई भी चीज रिपीट करनी है या कुछ है पूछो। सर हाँ बोलो सर, लास्ट केस रिपीट कर दो। लास्ट केस में ऑसिलेटर में क्या हो रहा है, देखो मेरे पास दो कॉइल्स है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मेरे पेन को मैग्नेटिक फील्ड मानो, इस प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही है। अब मेरे को चेक करना है कि जो ये फील्ड है क्या ये चेंज हो रही है या ये कॉन्स्टेंट है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ कि जो ये फील्ड है जो सेकेंडरी कॉइल से पास हो रही है वो कॉन्स्टेंट है, फील्ड कॉन्स्टेंट, एरिया कॉन्स्टेंट, फ्लक्स कॉन्स्टेंट, करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है, जो ये फील्ड पास हो रही है ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो अगर ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो इससे जो फ्लक्स आएगा वो चेंज हो जाएगा और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। प्रीवियस स्लाइड ये लो चलते हैं। डन सर। डन, गुड। गुड तनिष्क का गुड, एक मिनट रुक जाओ, बाकी सबका भी लेते हैं नोट डाउन। सो नेक्स्ट स्लाइड सिमरन, इससे वाली भी प्रीवियस स्लाइड कह रहे हो आप, ये वाली? प्रकाश भैया कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। सब चलो भाई बढ़ू आगे। यस सर। गुड, आ जाओ अब इस बात पे। यार अब एक बात बताओ, करंट का सोर्स क्या है? करंट का सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस। अब चाहे वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से मिले, या वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक सेल से मिले, या वो पोटेंशियल डिफरेंस किसी एक ऑसिलेटर से मिले। भाई रिपीट, मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस के बहुत तरीके हैं लाने के, या तो बैटरी हो या ऑसिलेटर हो, या फिर कि भाई क्या कहते हैं ऑसिलेटर बैटरी सेल कुछ भी हो सकता है। तो यार एक्चुअल में अब जितने भी केसेस हमने पढ़े इन सब में हो ये रहा है, इन सब में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, याद रखो करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन करंट से पहले क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, करंट से पहले यहाँ पे EMF इंड्यूस हो रहा है। क्या ये बात मान ली आपने कि जब भी बैटरी या लूप मूव करेगा, भैया हमारा जो क्लोज लूप है वो एज अ बैटरी की तरह एक्ट करेगा, एज अ सेल की तरह एक्ट करेगा, उसके अंदर EMF आएगा, और सिंस उसके अंदर EMF आ रहा है इसलिए करंट प्रोड्यूस या करंट इंड्यूस हो रहा है। तो अब जहां पे भी मैंने इंड्यूस्ड करंट कहा था वहां पे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख लेना, कि भैया यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा कि जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, आई रिपीट, जब भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा भैया हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो फिर तो करंट बनाएगा ही बनाएगा, और इस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। यस सर। बहुत बढ़िया। नहीं प्रतिभा मैडम, दो फैन है, एक पीछे चल रहा है और एक मेरे सर पे ही चल रहा है ऊपर। मैं थोड़ी गर्मी में बैठूंगा तो चलो। तो यार यही चीज है ना, फैराडेज ने एक फॉर्मूले में कह दिया, क्या कह दिया उसने फॉर्मूले में भैया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई रिपीट,
भाई फैराडेज लॉ कहते हैं इस फॉर्मूले को. फैराडेज ने क्या कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. अगर मैग्नेटिक फ्लक्स भैया कहीं एक भी टाइम के लिए, एक भी सेकंड के लिए अगर कांस्टेंट हुआ तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इस फॉर्मूले को हम कहेंगे फैराडे. यस सर. रिपीट करना या क्लियर है सर? रिपीट कर दो एक बार. भाई फैराडे ने क्या कहा, ये जो चीज मैंने लिखी है वो चीज कि यार जब भी हमारा फ्लक्स चेंज होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. फ्लक्स चेंज टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अब देखो मैंने आपको क्या बताया, फ्लक्स चेंज होना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग. लेकिन फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके हैं भैया? मैंने आपको बताया ना फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है. तो फ्लक्स को चेंज करने के भी तीन तरीके होंगे. कौन कौन से तीन तरीके होंगे फ्लक्स को चेंज करने के भाई? एक तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो. अभी तक मैंने आपको जो पहली तीन एक्टिविटी में कराया उसमें मैंने क्या किया, फील्ड को चेंज कराया. दूसरा तरीका यह है कि या तो आप एरिया चेंज कर दो, किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर दो या किसी भी चीज को एक्सपैंड कर दो. तो उस केस में भी एरिया चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है किसी चीज को रोटेट करा. अगर मैं किसी चीज को रोटेट करा दूंगा तो एंगल चेंज हो जाएगा, और अगर एंगल चेंज हो गया तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा. ये डन. क्या मैं आगे बढ़ सकते हैं भैया? लेट्स प्रोसीड. डन. अरे वेल. अब लेकिन भैया इसमें भी कहानी में ट्विस्ट है. फैराडे ने इतनी बड़ी बात कह दी लेकिन फिर भी इसमें एक दिक्कत थी. क्या दिक्कत थी? फैराडे ने बस ये तो बता दिया कि भैया जब भी तुम फ्लक्स चेंज कराओगे करंट प्रोड्यूस होगा, कि जब भी तुम फ्लक्स चेंज कराओगे करंट प्रोड्यूस होगा. लेकिन करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट के पास क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है. लेकिन करंट फिर भी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर. भाई याद रखना करंट एक तरीके से देखा जाए तो टेंसर क्वांटिटी होती है. मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं है. तो फैराडे ने क्या करा, फैराडे ने बस इतना तो बता दिया कि करंट कितना प्रोड्यूस होगा. लेकिन फैराडे ये नहीं बता पाया कि इसकी डायरेक्शन क्या हो. और जब तक करंट की डायरेक्शन ना पता हो तो एक तरीके से वो हमारे लिए यूजलेस है. क्या ये चीज मान गए? अरे यार कैसे मरे हुए बच्चे हो. इधर देखो ना सिंधी बात क्या कह रहा हूं मैं. भाई सपोज मैंने कहा इधर करंट जा रहा है 2 एम्पेयर, इधर करंट जा रहा है 5 एम्पेयर, तो आप क्या बता सकते हो थर्ड वाली वायर में कितना करंट जा रहा होगा? 3 एम्पेयर. गलत. गलत. -3 एम्पेयर. गलत. -7 एम्पेयर. गलत. भाई गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि मैंने 2 एम्पेयर के लिए डायरेक्शन मार्क कर दी. लेकिन क्या मैंने 5 एम्पेयर के लिए डायरेक्शन मार्क करी? नो सर. तो आपको क्या पता कि 5 एम्पेयर इस जंक्शन पॉइंट ओ पे एंटर कर रहा है या बाहर निकल रहा है? अगर सपोज 5 एम्पेयर इस पॉइंट ओ पे एंटर कर रहा है तो फिर भैया इस थर्ड वायर से करंट निकलेगा 3 एम्पेयर, क्योंकि 2 + 3 = 5 बन गया. लेकिन सपोज अगर मैं डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर दूं, मैं कह रहा हूं कि भैया पॉइंट ओ से करंट एंटर नहीं बाहर निकल रहा है, तो फिर यहां से कितना जाना चाहिए? 7 एम्पेयर. क्योंकि जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट करना चाहिए. तो इसलिए मैंने कहा कि करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना एक तरीके से यूजलेस है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि भैया करंट एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है. तो करंट के बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए तो ही वो हमारे काम का है. मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. लेकिन फैराडे तो डायरेक्शन नहीं बता पाया. तो भले ही इसने इतनी बड़ी बात कर दी लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं निकल पाई. तो भैया ज्यादा लाइम लाइट मतलब ज्यादा क्रेडिट चुरा लिया लेंस ने.
तो एक नया है फिर इसके आगे लेंस लॉ, ज्यादा क्रेडिट लेंस ने चुराया क्योंकि उसने क्या किया, उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दी। उसने कहा कि भाई फेरेडेस तू बिल्कुल सही कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन उसने कहा एक काम कर इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगा दे बस, और भैया ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। एंड इस लॉ को हम कहेंगे लेंस लॉ, एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंपेयर टू फेरेडे, इसने ज्यादा लाइमलाइट चुराई, इसने ज्यादा क्रेडिट ले लिया। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि भैया ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है, तो क्या इंडिकेट करता होगा ये नेगेटिव साइन, काफी बच्चों ने पढ़ रखा है ये टॉपिक पहले से ही स्कूल में, क्या इंडिकेट करता है ये नेगेटिव साइन, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। याद रखना हमारे फ्लक्स में जो भी कुछ हो रहा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज करेगा हमेशा। आई रिपीट, नेगेटिव साइन का क्या इंडिकेशन है, नेगेटिव साइन बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव करता है, और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस मतलब ये है कि हमारे फ्लक्स में जो भी हो रहा होगा हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको अपोज कराएगा। तो ये लिख लो, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है अपोजिंग नेचर। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल दूंगा तो ही क्लियर होगा, तो पहले यहां तक नोट डाउन कर लो आराम। बिल्कुल प्रतिभा मैडम, मेहनत किसी और की, क्रेडिट किसी और को, लेकिन फेरेडेज ने मेहनत तो करी लेकिन पूरी नहीं करी ना, वो काम लास्ट मूवमेंट पे खत्म करके नहीं गया, वो लास्ट मूवमेंट पे छोड़ के चल दिया। बिल्कुल ऋत्विका, अपोजिंग नेचर मीन्स लाइक फ्रिक्शन फोर्स, बिल्कुल सही। ये चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करूं? Yes, sir. चलो डन, आ जाओ भैया चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। भाई सोच के बताना आराम से, एनालाइज करके। मैंने कहा ये मेरे पास एक क्लोज लूप है और इसके को मैंने प्लेस कर दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से, तो मेरे को बताओ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। इस रिंग का एरिया ले लो ए, ये जो रिंग है इसका एरिया ए ले लो, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लो, तो मेरे को बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना लिखूं। लाइक ऑन, गुड प्रतिभा मैडम। यार मुझे बताओ इधर फील्ड एरिया को रिंग को टच करके निकल रही है या पेनिट्रेट कर रही है, दो भाई। भाई मैंने कहा जैसे ये मेरे पास कोई एक रिंग है, इसको रिंग ही अज्यूम कर लो कि भैया ये मेरे पास कोई रिंग है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, तो पहले तो मेरे को ये बताओ इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर आएगा। यस, अपने इस रिंग का एरिया वेक्टर या तो तुम लोगों की तरफ आएगा या मेरी तरफ आएगा, तो एरिया वेक्टर आ गया तुम्हारी तरफ, तो मेरे को बताओ एंगल कितना बन रहा है ये। 90 कितना होता है, जीरो। तो भैया कॉस 90 जीरो, तो इसलिए कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं आ रहा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं आ रहा तो क्या भैया इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? नो सर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस केस में जीरो है। भैया जब कोई मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं आ रहा, कोई इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट ही नहीं कर रही, आर पार ही नहीं जा रही, वो तो बस टच करके निकल रही है, तो नो फ्लक्स, नो फ्लक्स मींस नो इंड्यूस्ड ईएमएफ। यस सर। नहीं आकाश, तुम्हारा रीजन सही नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए रीजन सही है, फ्लक्स के लिए रीजन सही नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए सही है। गुड, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे।
और भैया यहां से चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। यार ये मैंने फिर से एक रिंग ली और अब की बार मैं कह रहा हूं कि इस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है और वो अंदर की तरफ जा रही है। ये मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रही है इस रिंग को आर पार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड आर पार इस तरीके से पेनिट्रेट करके जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि ये भैया रिंग का एरिया ए है और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अब मेरे को बताओ इंड्यूस ईएमएफ कितना लिखूं, कितना आएगा इंड्यूस ईएमएफ? हर्षिका नहीं, गलत, मैं फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूं हर्षिका, मैं इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा हूं। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं फ्लक्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा हूं। प्रतिभा सही आंसर। तो भाई सबसे पहले इससे फ्लक्स आएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बी इंटू ए, एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा जीरो या 180 डिग्री। तो मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया बी ए। पहले यहां तक चेक करके बताओ किसी को यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है यार। मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए आ गया है लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टेंट है। क्यों कॉन्स्टेंट है भैया? ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना तो एरिया चेंज हो रहा, ना तो मैंने इसको रोटेट कराया, ना तो रोटेट हुआ, ना रिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड हुई, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट आ गया, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट आ गया तो अभी भी इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा? जीरो। क्या चीजें क्लियर हुई? यस। अब बस मुद्दा है हमारे थर्ड वाले केस, यहां से आपको लेंज लॉ समझ में आएगा। अभी तक तो लेंज लॉ की जरूरत नहीं पड़ी थी, अब पड़ेगा। भाई मैंने एक ली है रिंग, अब ध्यान देना, मैंने ये रिंग ली है, मैं कह रहा हूं इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। इस रिंग का कुछ ना कुछ ऐसा करो एरिया ले लो कि भैया मैंने इस रिंग का एरिया कह दिया 2 मीटर स्क्वेयर। रिंग का कुछ ना कुछ एरिया होगा, मैंने कह दिया 2 मीटर स्क्वेयर। मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख देता हूँ कितनी चेंज हो रही है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। लेकिन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? तो मैंने कहा कि ये इंक्रीज हो रही है। तो अब मेरे को बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? इसका रेजिस्टेंस भी ले लो कि इसका रेजिस्टेंस सपोज दे रखा है 5 ओम्स इस रिंग का, तो आपको बताना है इंड्यूस्ड करंट भी कितना आएगा और डायरेक्शन भी बतानी है। चलो क्वेश्चन रिपीट करूं। ठीक है, बाकी एक बार रिपीट कर देता हूं। भाई मैंने कहा ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इंक्रीज कर रही है 10 टेस्ला पर सेकेंड की रेट से, 10 टेस्ला पर सेकेंड की रेट से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है अंदर की तरफ। एरिया 2 मीटर स्क्वेयर है, इस रिंग का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ क्योंकि वायर है, क्लोज लूप है, रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो मेरे को बताना है इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा और इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा डायरेक्शन के साथ। तो आप एक काम करो, आप पहले वैल्यू बता दो, डायरेक्शन मैं बताना आपको सिखाऊंगा, आप पहले वैल्यू बता दो बस। चलो तो आओ भैया मैं कैलकुलेट करना दिखा रहा हूँ। देखो भाई इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला था d∅/dt, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ dBA cos θ/dt। यहां तक चेक करके बताओ प्लीज, आया ना? यस सर। डन। अब मेरे को बताओ यार एरिया चेंज नहीं हो रहा, आई रिपीट एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एरिया को रखो बाहर, एंगल कॉस 0 डिग्री हो गया। तो भैया बस बचा क्या, बचा dB/dt। एरिया की वैल्यू है 2, कॉस 0 डिग्री 1,
और dB by dt हमें दे रखा है कि भैया dB by dt कितना है 10 टेस्ला पर सेकंड के हिसाब से, तो मेरे को बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको सॉल्व करके कितना आ गया 20। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब ईएमएफ का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 20 वोल्ट। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, सर क्लियर है। क्लियर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। करंट का फॉर्मूला ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ है 20, रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था 5, तो हमारे पास करंट कितना हो गया, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस रिंग में? 4 एम्पीयर भैया, इस रिंग में फ्लो कर रहा है 4 एम्पीयर। सब कुछ सॉल्व हो गया, बस क्या रह गया भैया, करंट की डायरेक्शन बताना रह गई है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। लेकिन उसके लिए पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो, फिर मेरी कहानी सुनो कि करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करी जाए। यहाँ तक कंप्लीट करो प्लीज। यस सर। वैसे अगर कंप्लीट हो गया तो बढ़ू आगे? यस सर, लेट्स प्रोसीड। यार अब आप मेरे को बताओ, आप चेक करो सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है, कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है? इनवर्स। एक मिनट रुकना प्लीज। हाँ भाई सॉरी, हाँ तो रिपीट भाई, मैंने कहा आपको क्या चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। तो आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इनवर्ड्स, मतलब आप लोगों की फिंगर मेरी तरफ आनी चाहिए, इनवर्ड्स है। इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज हो रही है तो भैया आपको ये इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज करानी है, मतलब जो भी हो रहा है उसका उल्टा करना है आपको। आई रिपीट, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो आपका टारगेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ? आप अपने आप को लेंज मानो, अब कि आप लेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है तो आपके अकॉर्डिंग अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करानी है आपको? डिक्रीज। वेरी गुड, तो मैं यहां लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लेंज के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड मेरे को डिक्रीज करानी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही होती तो फिर लेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कराना पड़ेगा? ग्रीन्स इंक्रीज कराना पड़ेगा। पहले प्लीज यहां तक चेक करके बताओ ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। भाई जोश मेरे को बहुत कम दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? भाई मर गए हैं बच्चे बिल्कुल। लास्ट चीज सुनो यार, मेरे को बताओ अगर दो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ये ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी? अरे सर मार खा जाओगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है दोनों, ऐड होंगी सब्ट्रैक्ट होंगी? ऐड। तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। अगर दो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो आप इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड को करोगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। भाई वेरी गुड, डिक्रीज होगी। तो अब खुद थोड़ा सा सोचो कि भैया इस वाले क्वेश्चन में, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया, इस वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है अंदर की तरफ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करानी है। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करानी है तो भैया आप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे, क्या वो अंदर की तरफ करोगे या बाहर की तरफ करोगे? जो आप प्रोड्यूस करोगे आउटवर्ड। आई होप ये सबको क्लियर होगा कि अगर अंदर की तरफ, भाई मैं आपको सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक सीधी सीधी ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो इसके अपोजिट बनानी है आपको। बस सीधा लॉजिक, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसके अपोजिट बनानी है। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी तो मैं किधर बनाऊंगा?
बाहर की तरफ। अब आप यूज करोगे इसमें, अब आप इसमें यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल फिर से, लेकिन इधर राइट हैंड थंब रूल अलग है। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और कर्ल्स ऑफ द फिंगर आपका करंट होना चाहिए। तो भैया आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैंने अपनी तरफ रखी, मैंने फिंगर्स को कर्ल किया, तो ये जो मैं कर्ल कर रहा हूँ फिंगर्स को, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे लिख दो 4 एम्पीयर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज एक बार चेक करके बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर है या कुछ रिपीट कर। तो अगर आपको क्लियर है और आप खुद ही कह रहे हो क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर, मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से कर। यस सर डन। प्रतिभा इसमें राइट हैंड थंब रूल में हम क्या कर रहे हैं, थंब ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे को बनानी है, जो लेंस को बनानी है, और कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां लिख देता हूं कि अब की बार हमारा जो थंब होगा वो बेसिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो मेरे को बनानी है, एंड कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट। सबने लिख लिया तो बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं हाथ क्या फटाफट जल्दी। चलो तो आओ भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, सब कुछ सेम वैल्यूज ले रहा हूं, वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं। कि भैया ये हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग का एरिया गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, इस रिंग का रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम्स। यार पीछे मैंने ओम्स लिखा था, मीटर लिख दिया था गलती से, ओम्स। और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है 10 टेस्ला पर सेकेंड के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लो कर रही है, लेकिन अब की बार ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, अब की बार ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन के साथ। चलो लोगों का भाई वेटिंग फॉर द आंसर, जैसे आंसर आए बता देना। तो भाई सीधी सीधी बात, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम आएगा, दैट इज 20 वोल्ट, करंट की वैल्यू भी सेम आएगी 4 एम्पीयर्स, लेकिन अब की बार अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है आपको उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो मैंने इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाई, फिंगर्स को कर्ल किया, तो भैया अब की बार मेरे पास डायरेक्शन आ गई है क्लॉकवाइज। तो भाई सीधी सीधी ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, अगर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है
तो आपको जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनानी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है तो आपको जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है वो सेम डायरेक्शन में बनानी है। यस सर। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। चेक करो पहले आराम से, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या